नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल पर हम गाय भैंस से संबंधित देसी घरेलू नुस्खे, डेयरी मैनेजमेंट इत्यादि बातें लेकर आते रहते हैं। आज आपका तरह तरह के कई कॉमेंट आ रहे थे, शुरुआत से जब से चैनल शुरू किया ये कॉमेंट आ रहे थे कि गाय डेयरी में रखें या भैंस। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर आज बड़ी रियल चीजें जान पाएंगे कि भैंस डेयरी के लिए अच्छी है गाय। तो अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पांस आपने इस चैनल को दिया, सब्सक्राइब शेयर और लाइक किया। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन उसको दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम करीब करीब 10 बिंदुओं पर बात करेंगे जिनमें डेयरी के लिए गाय सही है या भैंस सही है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि कहीं क्षेत्र विशेष के अनुसार कोई चीजें बदल जाएं, तो वह आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि एक नया व्यक्ति डेयरी करना चाहे तो उसको भैंस रखनी चाहिए या गाय रखनी चाहिए। भैंस से मेरा मतलब है देसी नस्ल की भैंस, विशेष जो दूध देने वाली भैंसें हैं उनसे भी मतलब नहीं है, जैसे जाफराबादी, नीली रावी या मुर्रा, ये तीनों ही प्रजाति अच्छी दुधारू नस्ल है। इसके अलावा आपकी क्षेत्रीय नस्लें भी अच्छा दूध दे सकती हैं, देती भी हैं, अच्छी तरह केयर मैनेजमेंट की जाए तो। और गाय से मेरा मतलब है देसी गाय से नहीं है, अमेरिकन या जर्सी गाय जिसका आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। यंग जनरेशन जो नई डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहती है वो उसी गाय की तरफ आकर्षित है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है भैंस कम समय दूध देती है, यानी कि उसका ड्राई पीरियड ज्यादा होता है, 2 महीने और 2 से ज्यादा भी होता है। जो गाय है HF या जर्सी नस्ल की जो गाय है, गाय से मेरा मतलब उसी बात से रहेगा अंत तक, उसका दूध देने का लंबा समय होता है, ड्राई पीरियड बड़ा ही शॉर्ट होता है। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है, गाय के दूध में फैट कम होती है। भैंस के दूध का रेट ज्यादा है, गाय के दूध का रेट कम है। भैंस में बीमारी ना के बराबर है, गाय में बीमारी ज्यादा है। भैंस की ब्याने की क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा बार ब्याती है, लगातार ब्याती है यदि कोई परेशानी ना हो तो। ये जो HF और जर्सी नस्ल की गाय, इनकी ब्याने की क्षमता कम है, ये 5 या 6 ब्यात के बाद ऐसा समझो कि फिर इनका मामला लगभग समाप्त हो जाता है। भैंस की रीसेल अच्छी है, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, ड्राई पीरियड में बेच सकते हैं या कोई और समस्या आ गई तो भी बेच सकते हैं। इन HF या जर्सी नस्ल की गायों के साथ रीसेल वैल्यू मैं ये कह सकता हूं कि आप जितने की खरीद कर लाते हैं 30% या 40% ही बचती है, और बेचने में भी बड़ी समस्या आती है। भैंस के रख रखाव का खर्च कम है, इन विदेशी नस्ल की गायों के रख रखाव का खर्च बहुत ज्यादा है, इसके लिए आपको सब कुछ ऑटोमेटिक चाहिए। भैंस के साथ आपको लोकल स्पोर्ट मिल जाती है, लोकल स्पोर्ट बहुत ही जरूरी बात है। लोकल स्पोर्ट से मेरा मतलब है कि आप क्षेत्रीय या विशेष दुधारू नस्ल की भैंस रखते हैं तो आपके क्षेत्र में आपके आसपास अनुभवी व्यक्ति मिल जाते हैं जो उसके बारे में कोई छोटी मोटी बीमारी तकलीफ होती तो उसके बारे में भी बता देते हैं, और पशु कहाँ मिलेगा वो भी बता देते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लोकल स्पोर्ट। इस HF या जर्सी नस्ल की गाय के साथ आपको वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि अभी तो हमारे किसान है इसको इतनी बहुत ज्यादा मात्रा में रखना शुरू नहीं किए हैं, तो आपको लोकल सपोर्ट इसमें ना के बराबर मिलेगी। कोई भी समस्या हुई तो सीधे आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। भैंस को बिल्कुल अनट्रेंड व्यक्ति भी संभाल सकता है, और ये जो विदेशी नस्ल की गाय है इनको अनट्रेंड व्यक्ति नहीं संभाल सकता है। इनको तो संभालने के लिए आपको एक वेटरनरी डॉक्टर के जितना ज्ञान होगा तो ही आप संभाल पाएंगे, अन्यथा इसमें लॉस होगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बात थी, ये 9 बिंदु मैंने आपको बताए। अब आप अपने अनुभव, अपने निर्णय लें कि आपको भैंस रखनी है या गाय रखनी है। और रेट के मामले में हमारे देश में दूध का दाम, दूध की कीमत फैट के ऊपर मिलती है, और ये जितनी भी विदेशी नस्ल की गाय हैं इनका दूध में फैट बहुत कम होता है, और रेट का आप बाजार में जाकर पता करें, कंपनियां इनको खरीदती हैं और किसान को कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, और यदि आप भैंस खरीदना चाहते हैं तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप विशेष नस्ल ही रखें, वैसे अच्छी नस्ल का डेयरी फार्म के लिए बड़ा ही अपना महत्व है, लेकिन आप अपने क्षेत्र के हिसाब
सेब जो आपके वहाँ नस्लें हैं उनमें भी अच्छे दुधारू पशु का चयन करें तो वह भी एक लाभ का सौदा हो सकता है, लाभ का सौदा होता ही है। दोस्तों ये 9 बिंदु थे, अब आप अपना निर्णय लें, अपने क्षेत्र में घूम फिर कर देखें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। जो हमने गाय या भैंस का जो तुलनात्मक अध्ययन किया, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई नया व्यक्ति डेयरी का काम शुरू करना चाहता है तो उसको भी यह अनुभव मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।